जो लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए ये फिल्म देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम आज इस फिल्म में आपको एक ऐसे जीवाणु खाद के बारे में बताएंगे जो ऑर्गेनिक खेती के लिए रामबाण है। और सबसे बड़ी बात, ये खाद फ्री में मिल रही है। ये खाद कहाँ मिल रही है, इसको कैसे तैयार करें और कैसे खेतों में प्रयोग करें, इसकी पूरी जानकारी इस फिल्म में आपको देंगे। लेकिन इससे पहले, यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर अजय कुमार बोहरा, मैं भिवानी का रहने वाला हूँ। हमारे कुछ एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर चले हुए हैं, जिनके अंदर हमने गो कृपा अमृतम के बारे में बताया है, जो गोपाल भाई सुतारिया जी अहमदाबाद से गिरगऊ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने बनाया है। इसके अंदर न आपको यूरिया की ज़रूरत है, न DAP की ज़रूरत है, न किसी खाद की, न किसी रसायन की, न पेस्टिसाइड की। इस बैक्टीरिया का प्रयोग करके आपकी सभी चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी और आप बड़ी ही आसानी से जैविक खेती कर सकते हैं। जैविक खेती का मूल आधार सूक्ष्म जीव होते हैं और इसमें 62 बैक्टीरिया खोजे गए हैं और USA के अंदर भी इसका जो है लैब टेस्ट करवाया गया है। अब इसके अंदर DAP की और यूरिया की पूर्ति कैसे करता है, आज हमारे साथ हैं भगत भाई। भगत जी, बताइए जरा हमारे साथियों को। सभी किसान मित्रों को जय गो माता। ये गो कृपा अमृतम जो कल्चर है, इसके अंदर 62 से ज़्यादा मित्र जीवाणु है। इसके अंदर 1960-70 से पहले जब भारत में यूरिया DAP नहीं आया था, तो केवल 1 मिलीग्राम मिट्टी के अंदर 2 से 3 करोड़ बैक्टीरिया थे। इसके आगे चल चलते जैसे यूरिया देश में आया, पेस्टिसाइड आए, ये मरते गए, आज 10% भी नहीं बचा। ये मित्र जीवाणु इसके अंदर प्रवेश होने से कारण जमीन एकदम पोरस हो जाती है, जमीन जीवंत हो जाती है, जमीन में नमी आ जाती है, जमीन भरी भरी हो जाती है, केशु अपने ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। किसानों को उपज में, पैदावार में, फसल में काफ़ी अच्छा लाभ होता है। पहली सीजन से, पहले ही साल से किसानों को यूरिया DAP से आज़ादी मिलती है। न यूरिया लगता है, न DAP, न कोई खर्चा लगता है। हम कहते हैं देश का पैसा देश में रहे, गांव का पैसा गांव में रहे। हमें ये कल्चर पूरे भारत में निःशुल्क हम देते हैं और आजीवन निःशुल्क देने का गोपाल भाई ने संकल्प लिया है। हम पूरे भारतवर्ष में जाते हैं, जहाँ किसान बंधु इकट्ठा होते हैं, हम स्वयं हमारे खर्च से वहाँ जाकर 3 घंटे में पूरा शिविर कंप्लीट करते हैं। हमारे अहमदाबाद में तो हमने मोबाइल माइक भी ले लिया, माइक भी हम अपनी रखते हैं। साथियों, इसको तैयार करने की जो विधि है, 200 लीटर का ड्रम लेके उसमें इस बैक्टीरिया को डाल देना है, 2 किलो गुड़ डालना है, 2 लीटर ताज़ा गऊ माता की लस्सी को डालना है, 7 से 8 दिन इसको क्लॉकवाइज हिलाना है, 8 दिन के बाद ये तैयार हो जाएगा, फिर इसको आपने खेत में यूज करना है। इसको एक तो आपको अवेलेबल होने के लिए कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई भी ऐसी पद्धति, कोई भी ऐसी खाद नहीं मिलेगी जिसकी आपको कीमत अदा नहीं करनी पड़े। हम आपको सारा ज्ञान और गो कृपा अमृतम जो है ना फ्री देने लग रहे हैं। एक बार कम से कम इसका प्रयोग करके तो देखिए, इसके लाभ और हानि को तो प्रयोग करने के बाद ही आपको पता चल सकता है। सभी कंपनियां जो है सैंपल बांटती हैं, वो डालती हैं, आपको आदत भी, एक बार आप यूज़ कर लो आपको आदत पड़ जाएगी, फिर उसके बाद आपकी जेब से पैसा निकाल पाएंगे। हमारी इस मुहिम में हम आपको जो बैक्टीरिया दे रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, दोबारा आपको इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये एक बार लेने के बाद सारी उम्र चलेगा। आपका जो मदर कल्चर तैयार करते हो, इसको ड्रम को अलग से रखना है, इसके कल्चर को लेके आप बाकी ड्रमों में कितनी ही खाद तैयार कर सकते हैं। इसको आप फ्लड इरिगेशन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, इससे आप गोबर की खाद भी बना सकते हैं। हर फॉर्म पे आपके लिए पूर्ण रूप से लाभदायक है। आपके हर सवाल का जवाब इसके अंदर छिपा हुआ है, बशर्ते एक बार इसका आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके देखना पड़ेगा। इसको यूज़ करने के लिए जो किसान साथी शुरुआत में इसका यूज़ करेगा, उसको शुरुआती तौर पर एक बार में पानी के साथ 1000 लीटर अपने खेत में चलाना है। उसके बाद दोबारा पानी देंगे तो उसकी मात्रा वो 800 लीटर कर सकते हैं और तीसरी बार 600 लीटर कर सकते हैं, लेकिन 600 लीटर से कम इसकी मात्रा को यूज़ नहीं करना है। दूसरी बात, इसको यूज़ करने के साथ साथ जो गौ माता का गोबर होता है, एक गौ माता का गोबर आपको एक फील्ड में डालना है, उस गोबर के डालने से इसकी जो गुणवत्ता है वो कई गुना बढ़ जाएगी और उसका अच्छा लाभ आपको मिल पाएगा। तीसरी बात, जो आप इसका स्प्रे करेंगे तो आप 30% इसको बैक्टीरिया को लीजिए, 70% पानी को लीजिए और इसका स्प्रेइंग अपनी फसल पे कर सकते हैं, बड़ा ही अच्छा लाभ मिलेगा आपको। दूसरा, जो स्प्रे करते हैं उसमें आप इसको 50-50 यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद जैसे जैसे आपके पौधों को इसकी आदत पड़ जाएगी, आप अगर मास क्रॉप करते हैं तो ये मात्रा रहेगी 50-50। अगर आपके पौधे हॉर्टिकल्चर के हैं, बड़े पौधे हैं, तो आप इसको 3 स्प्रे के बाद 100% यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा ही चमत्कारिक तौर पे आप इसका परिणाम देखने को मिलेगा। हर प्रकार की खाद का, पेस्टिसाइड का, आपका फंगिसाइड का, सारे बैक्टीरिया इसके अंदर हैं। ये आपकी यूरिया की पूर्ति करेगा, DAP की पूर्ति करेगा, हर चीज़ की पूर्ति कर देगा। तो इसके प्रयोग करने से आपकी सभी समस्याओं का एक ही जगह पर निदान हो सकता है। किसान साथियों को इसको लेने के लिए या तो अहमदाबाद में, गुजरात में बंसी गिर गौशाला में गोपाल भाई सतुरिया के पास जाना पड़ेगा, या फिर हरियाणा में हमारे पास आके जिला भिवानी में गांव नीमडीवाड़ी में बोहरा ऑर्गेनिक फार्म पे आप इसको ले सकते हैं। सभी किसान साथियों को, हमारे जितने भी साथी पूरे भारतवर्ष में ये गो कृपामृत दे रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई लागत नहीं है। इसका प्रयोग करें और प्रयोग करने के बाद जो इसका रिजल्ट आता है, मेरा सभी से अनुरोध है कि उस रिजल्ट के बारे में हमें बताएं, ताकि आपका जो फीडबैक हमें मिलता है इसका सभी साथियों को हम प्रचार प्रसार कर सकें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।